अयोध्या चौक के समीप सड़क पार करने के दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दुर्घटनाग्रस्त हुआ एक व्यक्ति, इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों में पसरा मातम। विदित हो कि सड़क दुर्घटना का तस्वीर अपने आप में काफ़ी मर्माहत होता है, दुख से भरा होता है। खबर तेघरा थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 28 अयोध्या चौक के समीप की है। विदित हो पिछले 2 दिन पूर्व यहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति, जिनके घर कुछ मेहमान आए थे, मेहमान के चले जाने के बाद घर में बच्चों ने बिस्कुट खरीद कर लाने की शरारत की, जिसके बाद उक्त व्यक्ति जो सड़क के उस पार एक दुकान से बिस्कुट खरीद कर सड़क पार कर रहे थे, उसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए, जहां गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें इलाज हेतु सदर अस्पताल बेगूसराय ले जाया गया, जहाँ प्रारंभिक इलाज तो शुरू हुई लेकिन उनका स्थिति गंभीर होता चला गया, जिसके बाद परिजनों ने चिकित्सक से जब संपर्क किया तो बेहतर इलाज हेतु चिकित्सक ने उन्हें PMCH पटना रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हालांकि मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों के द्वारा उक्त सबको पटना से पैतृक गांव हरिहरपुर लाया गया और उसके बाद अयोध्या चौक के समीप उक्त सबको सड़क पर रखकर परिजनों ने प्रदर्शन शुरू किया। परिजनों का मांग था कि उक्त परिवार काफ़ी गरीब है और इसके भरण पोषण का एकमात्र कमाने वाला यही व्यक्ति था और इनके असामयिक निधन से सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट गया है। यदि आर्थिक मदद नहीं होगा तो ये लोग क्या करेंगे, इनका भरण पोषण किस प्रकार होगा। हालांकि इन तमाम चीज़ों को लेकर तेघरा थाना की पुलिस स्वयं थाना अध्यक्ष अमलेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। तदुपरांत फोन के माध्यम से तेघरा प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार से बात की गई और उन्होंने जो आर्थिक राशि होती है उनके परिजनों को देने का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद पुलिस के समझाने पर परिजनों ने सबको राष्ट्रीय राजमार्ग 28 से हटाया। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर काफ़ी जाम लग गया था, लेकिन जब मामला पूरा शांत हुआ, परिजन सबको सड़क से हटाए, उसके बाद पुलिस ने काफ़ी मशक्कत से यातायात व्यवस्था को बहाल किया। इसको लेकर परिजनों ने क्या कुछ कहा? कहाँ धक्का लग ले रहे? कौन चौक पर? औजार चौक पर। की करे रहे थोनी? आज हम कतिल कर लो घटना होले घर में कमाए वाला के बिहार है बच्चा एक बच्चा छ बेटा छ छोटे 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 की नौ छको तोर और कर की नौ रहे घटना यही कि वो लोग कल नहीं परसों छेका के लिए आए थे, वो लोग चले गए, वो लोग बच्चे को बिस्कुट वाले पार कर रहे थे, उसका उधर से आने के क्रम में एक घटना हुई। अज्ञात वाहन मतलब कोई देखा होकर नहीं, लेकिन वो मार के चला गया। ये लोग फिर यहाँ से तेघरा हॉस्पिटल ले गए, फिर उसने एक रेफर कर दिया बेगूसराय। बेगूसराय में भी बहुत देर तक इधर उधर किया, कुछ नहीं हुआ, फिर वो उसने PMCH रेफर कर दिया। फिर वहाँ पे 3 बजे सुबह में पहुँचे तो वहाँ देखिए 1-2 बोतल पानी चढ़ा उसके बाद। कितने मतलब इनके बाल बच्चे कितने हैं या क्या करते थे? ये तो चौक पे जूता पॉलिश कर रहे थे, सब छोटे छोटे बच्चे, बेटा है तो एक बेटी, उसका जो शादी लगा था वो छेका था, वो 2 दिन पहले वो छेके में आए हुए थे, उनको सारे बच्चे चौक पे गए थे, बच्चे बिस्कुट बनने के पास थे, उस पर आ रहे थे उसी गर्मी में। क्या नाम था मृतक का? हाँ उमेश था। कमाने वाले एक ही आदमी? हाँ एक ही आदमी। जी जी, जूता रिपेयरिंग करते हैं, कमाने पढ़ने के लिए।